कहने वाले लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे कि महेंद्र जी भी गए तो महेंद्र जी को खरीद लूंगा, तो महेंद्र जी को कल अपने साथ खड़ा कर लूंगा। हम आपके चैनल पर कहा हूँ कि महेंद्र के मरने के बाद महेंद्र को कोई खरीदने के लिए हिम्मत जुटा सकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदू जी। इस लोकसभा के अंतर्गत उपस्थित हैं और ये है विधानसभा रशिया। रशिया में हमारे साथ है स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी, और इन दिनों तमाम जो क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मी बढ़ते हुए नजर आ रही है, और इस बीच जो है ये जनता से करते हुए आज रशिया में भी खास कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ है। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस रशिया विधानसभा में आज आपका किस तरह से कार्यक्रम था और क्या उपलक्ष्य है यहाँ? विधानसभा रसड़ा सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने आज तय किया था कि प्रत्याशी माननीय राजू राय जी का विभिन्न जगहों पर आज कार्यकर्ता बैठक होना है। उसी में सुहेल स्वाभिमान पार्टी सब नेताओं के एक बार उनकी भी हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने तय किया था आज 13 तारीख को एक कार्यकर्ता बैठक, और बैठक हुआ भी। यहाँ से जो लोकसभा प्रत्याशी हैं श्री राजू राय जी, आप कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए, हमारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधन भी किया। चुनाव बिगुल बजने के बाद चुनाव क्षेत्र में दौरा हो रहा है, तो आप अपने पार्टी को लेकर चुनाव प्रचार में हर क्षेत्र में रहे या फिर अभी कुछ मिक्सर रहे? आप ये पूरे देश का चुनाव है विमलेश जी, और पूरे देश में आज आपको बता दूं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद रहे राज्यसभा माननीय अमर सिंह जी तारवा के निवासी हैं, तारवा में राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार राजभर जी आज धर्मेंद्र जी के साथ, जो लोकसभा प्रत्याशी आजमगढ़ से हैं उनके साथ मनोज कुमार राजभर जी आज वहां कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी या सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का नेता कार्यकर्ता केवल घोसी पार्लियामेंट में, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। आप आज घोसी में बैठे हैं, आपको बताएं कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी आजमगढ़ में हैं, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार लालगंज लोकसभा में लगे हैं, अभी तमाम कार्यकर्ता लगे हैं यहाँ सलेमपुर लोकसभा में, बलिया लोकसभा के उम्मीदवार अभी आना बाकी है, जैसे उम्मीदवार आता है बलिया लोकसभा में भी काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। वैसे जब तक नहीं कैंडिडेट आया है, उम्मीदवार जब तक नहीं आया है, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता नेता सक्रिय होकर के संगठन का काम वहाँ कर रहे हैं। हर लोकसभा में चप्पे चप्पे स्वदेश स्वाभिमान पार्टी कार्यकर्ता लग गए हैं, 200 लोकसभा से ऊपर लोकसभा में हमारे तमाम नेता लग करके संगठन के लिए लोग धार दे रहे हैं। यही आप देख लीजिए रसना में जो कार्यकर्ता नेता आपके सामने मौजूद है, जरा एक बार आप थोड़ा घुमा के वीडियो बना लीजिए। सैकड़ों नेता रसने विधानसभा के हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, कोई हम एक थोड़े कह रहा हूँ कि लाद करके मऊ से लेकर के यहाँ रसरा में आया हूँ, यही लोकल ही कार्यकर्ता हैं। घबराइए मत, इंतजार करिए समय का, जब सही समय होगा तो बस गर्मी का मौसम जैसे चल रहा है ना, और गर्मी थोड़ा बढ़ेगी तो आम पकेगा। विरोधी लोग कहते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता लोग निशाना साधते हैं, वो कहते हैं कि उनके बूथ स्तर पे कोई नेता भी नहीं है। मतलब ये लोग कहाँ से आए हैं? विदेश से लोग आए हैं इसी विधानसभा से, कोई बूथ का कार्यकर्ता है, कोई ब्लॉक का नेता है, कोई विधानसभा का नेता है, कोई जिले का नेता है, इसी विधानसभा के नेता और कार्यकर्ता हैं जो आज यहाँ मौजूद हालात में हैं। आ कहने वाले लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे कि महेंद्र जी भी गए तो महेंद्र जी को खरीद लूंगा, तो महेंद्र जी को कल अपने साथ खड़ा कर लूंगा। हम आपके चैनल पर कहा हूँ कि महेंद्र के मरने के बाद महेंद्र को कोई खरीदने के लिए हिम्मत जुटा सकेगा, साहस जुटा सकेगा, ये जान लें। सच्चे महाराज सुहेलदेव जी के आप वंशज हैं? अरे तो आपको क्या लगता है नकली वंशज हूँ? नहीं, बहुत लोग इसी वंशज से आते हैं और अपना पार्टी भी लेते हैं, होलिया भी बदल लेते हैं। होंगे बहुत लोग, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 140 करोड़ से ऊपर लोग हैं, लोकतंत्र में विभिन्न तरह का लोग है, विभिन्न तरह का सोच होगा, ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ। सब लोग महेंद्र राजभर थोड़े हो सकते, लेकिन इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल पर, स्वाभिमान पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वर्कर आपको दिख रहा है, ये लोग परिपक्व सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेता, और इन लोगों के ही बूते, इन लोगों के ही दम पर महेंद्र राजभर संघर्ष करता है। अकेले महेंद्र राजभर को आप सोचे, अकेले महेंद्र राजभर का कोई पौरुख हो, मेरा कोई पौरुख नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं पूर्व की पार्टी में है जो उनका अकेले पौरुख है, अकेले दम पर सत्ता में लोग चले गए, अकेले दम पर
अगर अकेले दम पर वो लोग सत्ता में नहीं जाते तो 22 के चुनाव में कार्यकर्ता दिखता। जब कार्यकर्ताओं के बीच से कार्यकर्ता लखनऊ के सदन में जाता तब न समाज का हित होता, कार्यकर्ताओं का हित होता है। अच्छा ये बताइए, अब चुनावी सरगर्मी के साथ साथ एक बार आपसे सामना हुआ था इसी लोकसभा घोसी में जो उपचुनाव के नजर से, अब लोकसभा चुनाव में जो बातें आ रही है कि इसमें पिछले बार का हार का जवाब दिया जाएगा, क्या लग रहा है? महाराज बच्चे जब पढ़ते हैं तो 6 महीना में छमाही परीक्षा होता है। जो उपचुनाव घोसी का जो आपने जिक्र किया जी। वो हम कार्यकर्ताओं के लिए 6 माही परीक्षा था। अच्छा। बोर्ड के परीक्षा में हमारे तमाम नेता कार्यकर्ता बैठेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत का मैं सलाम करना चाहता हूँ कि 6 माही परीक्षा में बहुत बढ़िया नंबर हमारे नेताओं ने लाने का काम किया है। अच्छा। और परीक्षा होने जा रहा है ठीक गर्मियों में, ये बोर्ड का है। हाँ गर्मी में परीक्षा होता है ये जान लीजिए, ठीक गर्मी का मौसम है, परीक्षा में हमारे कार्यकर्ता पास हैं। भाई आप देखिएगा, 1 जून का इंतजार करिए, 4 जून का इंतजार करिए, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा तो समय देना पड़ेगा ना, तो इसके लिए थोड़ा इंतजार। ओम प्रकाश राजभर हर क्षेत्र में चल रहे हैं और ये भी दावा आ रहा है कि यहाँ से जीत रहेंगे और एक हल्लारे तक का सफर उनका चल रहा है, प्रचार में रुकना है नहीं, कैसे सामना होगा? खेत खरियानों में जो दिख रहे हैं नेताजी, कटाई का दिन चल रहा है, कहीं खेत खरियानों में काट रहे होंगे गेहूं? नहीं, वो कहते हैं कि किसानों के बीच में ही नजर आ रहा हूँ, हर एक क्षेत्र में मैं जब नजर आ रहा हूँ तो बाकी ये विरोधी लोग क्या करेंगे, ये लोग घर में सोए हैं। मतलब इसमें से कौन सा कार्यकर्ता आपको नजर आता है जो टाटा बिरला हिंडाल्को सिंघानिया के परिवार का सदस्य है? सारे कार्यकर्ता गरीब परिवार से ही है, सब लोग अपना थोड़ा बहुत गेहूं पैदा करते हैं, काटते हैं, हम सब लोग मजदूर हैं। अब ओम प्रकाश राजभर की जो बात आपने कहा कि खेतों खेतों में हसुआ लेकर के घूमते हैं जनता से मिलने के लिए, अरे गर्मी का मौसम है, गेहूं पका है, कहीं खेत काट रहे होंगे, वो जनता से मिलने के लिए वो दर्शा रहे हैं कि जनता से मुलाकात कर रहे हैं। अरे वो जनता से मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा। जनता का अगर दर्द ओम प्रकाश राजभर को सताता तो भारतीय जनता पार्टी के गोल में ओम प्रकाश राजभर नहीं खड़ा होते। अच्छा। गरीबों का अगर तकलीफ ओम प्रकाश राजभर को होता तो सत्ता में मलाई खाने के लिए मंत्रिमंडल में थोड़े जाते, कहते हैं कि सत्ता में ही रहेंगे तभी तो भला कर पाएंगे, ये बात तो कहते हैं। पहली बार सत्ता में गए हैं, इसके पीछे बाद भी सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, 18 महीना मंत्रिमंडल में रहे, 18 महीना में वो क्या कर दिए हैं? तो लड़ाई लेकर के चले थे, घूम करके सीने पर ताल ठोक करके कह रहे थे कि ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक जब तक हर जाति के बेटा और बेटी को 1 से लेकर 16 तक शिक्षा फ्री में नहीं करा देंगे तब तक हम चैन से नहीं रह सकते। मिल गया क्या लग रहा है? आज मिल गया है तभी ना भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जो गरीबों के लिए कहते थे कि फ्री बिजली दिलाने का काम करूंगा गरीबों को, आप हमारी पार्टी का झंडा पकड़ो, सत्ता में पहुंचाओ, जब तक गरीबों को मुफ्त बिजली नहीं दिला दूंगा तब तक हम चैन से नहीं रह सकते। हो गया फ्री? अगर आपके जानने में फ्री हो गया तो कोई बात नहीं, तब तो आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए, और नहीं अगर भारतीय जनता पार्टी ने हम गरीबों को धोखा देने का काम किया है, चाहे शिक्षा के सवाल पर, चाहे महंगाई के सवाल पर, चाहे गरीबी के सवाल पर, चाहे गरीबों के बेटा और बेटी को 2 करोड़ नौकरी के रोजगार पर अगर प्रदेश और देश की सरकार ने धोखा दिया है तब तो 24 में भाई उसका परिणाम उसको मिलेगा। आप कहते हैं कि भला नहीं किए, वो ये कहते हैं कि जब भी महेंद्र राजभर का कोई काम होता है, घर बनाना हो या कोई गाड़ी खरीदना हो, तो ओम प्रकाश राजभर का ही लिया हुआ पैसे से काम होता है। नहीं, ये बात आप सही कहे जी। मैं तो कहता हूँ आपके चैनल पर आकर के कह रहा हूँ, आप 2002 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बनाए और 2002 में पार्टी बनाने के बाद तमाम लोग उनके साथ कंधा मिला करके चले और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच पर, आप बीच में आपके चैनल पर कह रहा हूँ, 2002 के पहले जैसे हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं उसी तरह से नेताजी का ले लीजिएगा, 2002 के पहले उनके पास तमाम एजेंसी है, जांच एजेंसी तमाम उनके पास है, किसी भी एजेंसी से हमारा और आपका जांच करा दे, महेंद्र राजभर 2002 में और 2002 के पहले उनसे 1 इंच अगर कमजोर होगा तो राजनीति करना छोड़ दूंगा, 2002 के बाद तो समाज के बल पर। अरे इसी 22 में 17 सीट गठबंधन में पाए थे, 17 में 15 बेच दिए, तो पैसा उनके पास नहीं होगा तो क्या मेरे पास होगा? कहे थे कि महेंद्र राजभर भी वही रखने का काम करते थे, उन्हीं के हाथ में तिजोरी था। हाँ तो क्या कहेंगे, महेंद्र राजभर उनका जब तक साथ था
जब तक उनके साथ था तब तक तो चोर था नहीं, तब तक तो बेईमान था नहीं, तब तक तो लुटेरा था नहीं। जब उनके साथ कंधा में कंधा मिला करके हम कार्यकर्ता जमीन से लेकर के लखनऊ के सदन तक जब पहुंचाए तब तक तो हम लोग कमजोर नहीं थे, गरीब नहीं थे, लुटेरा नहीं थे, चोर नहीं थे, बेईमान नहीं थे। जब उनके साथ से हट गए तो हटा देना चाहिए था ना, क्यों आखिरकार हमको अपने साथ क्यों 19.5 वर्ष तक रखे थे? ओम प्रकाश राजभर ने महेंद्र राजभर को हटा दिया है का? महेंद्र राजभर आप वीडियो निकाल करके देख लीजिएगा, महेंद्र राजभर असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है। महेंद्र राजभर ने उनकी पार्टी को छोड़ दिया ये कहते हुए छोड़ दिया कि जिस समाज की लड़ाई और वकालत करने के लिए आपने बीड़ा उठाया आज आप सत्ता में चले गए हो, अपने लिए संघर्ष कर रहे हो। जो फेसबुक पर योगी जी के यहाँ, मोदी जी, अमित शाह जी के यहाँ जाकर के फोटो खिंचा करके डाल करके दिखा रहे हैं आज के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, समाज की अगर बात आती है, समाज का अगर दुख तकलीफ उनके जहन में आता तब पहले बाबा जी से गठबंधन करने के बाद कहते कि हमारा समाज बहुत कमजोर है, हमारे समाज के बेटी और बेटा को आप हक हिस्सा दीजिए, हमारे समाज के बेटी और बेटा को SC ST में जुड़वा दीजिए, हमको अपने मंत्रिमंडल में चाहे जो पद दे देंगे वो मंजूर कर लूंगा। लेकिन अपने तो मिल गया, बेटा को लोकसभा टिकट भी मिल गया, अब समाज को हिस्सा मिल गया। आज घूम करके उनका नेता और कार्यकर्ता कह रहा है एक ही सीट लड़ रहे हैं, भाई हम राजभर हूँ एक ही सीट लड़ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं से कि आज एक मिला है तो क्या करोगे, 13 लड़ोगे? एक मिला है आज राजभर याद आ रहा है, जब 17 तुम्हें मिला था तब तुम्हें समाज का कोई बेटा और बेटी और कार्यकर्ता नहीं दिखाई दिया था, 17 मिला था तो बाप बेटा दिखाई दिया, आज तो ये कहीं मिला है भाई, तो घूम करके कहोगे कि ये कहीं राजभर लड़ रहा हूँ। जब तुम्हारा अधिकार था, 17 मिला था, जब तुम्हारा अधिकार था समाज के बेटी और बेटा को टिकट दे करके यहाँ से लेकर के लखनऊ पहुंचाने का अधिकार था तब तो नहीं दे पाए। अच्छा ये बताइए इस चुनावी में अपने समाज या अन्य समाज के लिए क्या मुद्दे होंगे, जिस मुद्दे को लेकर इस चुनावी अखाड़े में प्रचार भी कर रहे हैं और क्या कुछ लोगों के लिए रहेगा? देखिए हम लोगों का जो चुनावी मुद्दा है, जो हमारी लड़ाई है, उसी लड़ाई को हम लोग चुनाव का मुद्दा बना करके पूरे प्रदेश में नहीं जहां भी जाना होगा सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता को अपनी लड़ाई को ही मुद्दा बना करके हम लोगों के बीच में रखने का काम करेंगे। इसीलिए जनता के लिए क्या लाभ होगा, जनता की क्या लड़ाई है, आपके साथ क्या कुछ मुख्य दिख रहा है जिसको आप लड़ाई के रूप में देख रहे हैं? अच्छा आपको ये नहीं दिख रहा है कि जनता का चाह रही है? आज 5 किलो राशन के हम लोग मोहताज हैं, हम लोग तो कहते हैं कि शिक्षा आप फ्री कर दो, जिस गरीब का बेटा पढ़ लिख करके शिक्षित हो जाएगा वो 5 किलो नहीं 50 किलो राशन कमा करके अपने परिवार का जीविका चला देगा, आपके सरकार के सहारे नहीं रह सकता है। हैं? आज दिख नहीं रहा है क्या आपको? गरीब तबाह होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। भाजपा सरकार जिस गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जी शामिल हैं, देख लीजिए उस गठबंधन में पूंजीपति के लिए सरकार काम कर रही है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो देश की सरकार हो, पूंजीपति के लिए केवल काम हो रहा है। एक काम बता दीजिए गरीब के लिए हुआ हो? लोग कहते हैं जब यही कल भाजपा के गठबंधन में NDA गठबंधन में नहीं थे तब घूम करके कहते थे कि मोदी जी ने रेल बेच दिया, मोदी जी ने सेल बेच दिया, मोदी जी ने BSNL बेच दिया, मोदी जी ने गरीबों के बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार के लिए घूम रहे थे, 68,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसको मोदी जी ने बेच दिया, घूम करके कहते थे ना, क्या आज वो वापस कर दिए हैं मोदी जी? मान लिए है क्या उस लड़ाई को? और जो कल कारखाना फैक्ट्री बेचे थे जब ये अलग थे तो कहते थे कि बेच दिए, आज वापस हो गई है क्या वो कल कारखाना फैक्ट्री? मतलब इस समय ओम प्रकाश राजभर के जुबान पे ताला लग गया है? ताला लग गया। अभी ये बात आपको उनसे पूछना चाहिए, आपके हिसाब से जैसे कह रहे कि हक हिस्सा मिल गया तो कहीं ना कहीं ये बात ओम प्रकाश राजभर से आप लोगों को चैनल के लोगों को इंटरव्यू लेना चाहिए, लेना इस बात का चाहिए कि आपको पूछना चाहिए कि बताओ भाई नेता जो लड़ाई लेकर के गरीबों की चले थे भारतीय जनता पार्टी, क्या वो मान ली है लड़ाई? रेल वापस हो गया, BSNL वापस हो गया, कल कारखाना फैक्ट्री वापस हो गया, कोयले की खदान वापस हो गई, डीजल का रेट कम हो गया, 14 के पहले जब डीजल का रेट 50 रुपया से 55 रुपया था आज 100 रुपया हो गया है, क्या हुआ गया है 50-55 पका? ये पूछना चाहिए आप लोगों को। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन NDA गठबंधन में आप गए हो, आप बताओ समाज की एक भी बात मनवा करके गए हो का? हाँ मनवा करके गए हो, महेंद्र राजभर कह रहा है आपके चैनल पर कह रहा है मनवा करके गए हो बेटा को सांसद बनाने के लिए। अच्छा। बेटा को देश में सरकार बना करके मिनिस्टर बनवाने के लिए मनवा करके गए हो, ये देखने के लिए आपको मिलता है कि नहीं मिल रहा है? जब मिल रहा है तो इस बात इस सवाल को आपको उनसे पूछना चाहिए जो सवाल हमसे कर रहे हैं। पहले आज विभाग के साथ हमारे साथ मौजूद रहे महेंद्र राजभर जी, और पिछले बार जो अपने साथ
जो संगठन को लेकर जो कारगर साबित किए, आज फिर से लोकसभा में कहीं ना कहीं फिर बढ़त के साथ इस लोकसभा में जीत दिलाने का दावा ठोकते हैं और उतना कारगर भी साबित करके दिखाएंगे। धन्यवाद, बधाई हो भाई विमलेश जी। चलिए मिलते हैं कुछ और बातों के साथ, फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।